हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हो रहे थे वो किसका अनुकरण करते हैं? अपने माँ बाप का अनुकरण करते हैं। जैसे माँ बाप करते हैं वैसे ही लड़के करते हैं। जब उनके सामने से आपने पिताजी या जो हमारे बुजुर्ग रहेंगे वो उसके सामने से सिगार पीते जाएंगे, दुआ छोड़ते जाएंगे, उनके सामने पिचकरी मारते बैठेंगे, तो उसका लड़का तो क्या करता है? नहीं कुछ, लेकिन लकड़ी हाथ में लेकर मुंह में डालकर घूमता है। थोड़ी देर में उसको भी आ जाता है, वह हम भी ऐसे कर सकते हैं, तो वो भी करने लग जाता है। लेकिन इस रालेगा स्थिति में कोई नहीं करता है। तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं अच्छी तरह से है, क्यों है? क्योंकि गांव में कोई करता नहीं है। इसी वजह से जब किसी ने शराब भी पी ली, जब उसके बीबी ने अन्ना जी की तरफ बोल दिया कि हमारा आदमी जो है वो शराब पीता है, गालियां देता है, तो इसको एक गांव के अंदर एक खंभा है, उसको खंभे को पूरी तरह से बांध दिया जाता था और दिन भर पूरी धूप में खड़ा किया जाता था, तो वो पूरे शर्म से लाल हो जाता था। ये क्या करें, जितना शर्म से वो उसके पत्ते टूट गए हैं। संसार का भी ऐसा है, एक तरफ एक खींचेगा, एक तरफ एक खींचेगा, तो संसार का गाड़ा नहीं चलेगा भैया। दोनों बराबर चलेंगे तभी चलेगा। इसलिए दो ये एक बच्चा होगा तो ठीक बात रहेगी। एक चराई बंदी आपकी तरफ पहाड़ हो गए, पहाड़े के ऊपर घास उगती होगी, हम जानवर छोड़ते होंगे, जानवर छोड़ते हैं, लेकिन क्या हो जाता है, जानवर छोड़ने से वह एक घास खाता है, एक ही घास खाता है, लेकिन उसके नाखून से और उसके पैर से क्या हो जाता है, पूरा खराब हो जाता है, क्योंकि वो पूरा चलते चलते वो पूरा खराब कर देता है। वो खराब होने के बाद क्या हो जाता है, वो घास पे चार घास में तो खराब हो जाता है, लेकिन उसके नाखून से क्या हो जाता है, जो हमारी प्रॉक्साइड जो रहती है, वो जो मिट्टी जो रहती है वो गीली हो जाती है, निकल जाती है, बारिश के दिनों में यही बहकर चली जाती है नीचे। इसीलिए हम यही पे बंद कर दे तो फिर क्या हो जाएगा, मिट्टी भी नहीं चली जाएगी और घास भी बच जाएंगी। जो चार घास खराब होने वाले थे, एक घास के बदले जो चार घास खराब होने वाले थे वो भी पूरे बच जाएंगे। इसको हम संभाल कर कब तक रखेंगे, गर्मी के मौसम तक रखेंगे, क्योंकि हमको बारिश के दिनों में घास मिलती है। बारिश के दिनों में भी कई बार हमने हमारे खेतों में थोड़ी बहुत तो घास रहती है, लेकिन गर्मी के मौसम में घास नहीं रहती। क्यों नहीं रहती, तो पानी ही नहीं रहता। तो फिर ये पहाड़ के ऊपर जो कुछ भी घास बची रहती है वो हम काट कर ले आएंगे, लेकिन जानवर नहीं छोड़ेंगे। काटेंगे कब काटेंगे, तो उसकी पूरी की पूरी तरह से बढ़ जाएगी, उसका बीज नीचे गिर जाएगा, तो अगले बारिश के मौसम में वो बीज ही ऊपर आ जाएगा, तो अच्छी तरह से फिर से घास आ जाएगी, आपको फिर से आगे गर्मी के मौसम तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन घास काटने के बाद जब आप वैसे ही उठा के ले जाएंगे, जानवर छोड़ देंगे, तो कोई बात नहीं, पूरा खराब ही होता रहेगा, उसमें से टॉप साइल भी बेकर चले जाएगी और हमको परेशानी उठानी पड़ेगी। इसलिए चराई बंदी कर दो, लेकिन चराई बंदी पूरी बंद कर दी तो पूरा ही नाश हो जाएगा। लेकिन हमने ये जो स्ट्रक्चर बनवाया, ये स्ट्रक्चर बनवाए हैं और चराई बंदी भी कर दी, तो फिर क्या हो जाएगा, जानवर पानी पीने के लिए तो आ जाते हैं, ये स्ट्रक्चर के पास पानी रुकाया जाएगा, जानवर पानी पीने के लिए यही जाएंगे और इसकी भी नाश कर देंगे। इसीलिए जानवर चरने के लिए गांव के अंदर थोड़ी बहुत जगह छोड़ी जाती है, ग्राम पंचायत ने छोड़ी रहती है, वहीं पर ही जानवर चराओ और वहीं पे उनके पानी पीने की व्यवस्था कर दो। ग्राम पंचायत करती है, ये सब कुछ करती है, पहले वो कर दो तभी इधर का सब कुछ स्ट्रक्चर बच जाएंगे और घास भी बच जाएंगे। नहीं तो उनकी पहले व्यवस्था करनी पड़ती है, नहीं तो ये करेंगे उनको नहीं करेंगे तो वो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये कुलाड़ी बंदी ऐसी कि हमारे गांव में पेड़ रहते हैं, हमारे खेती में भी पेड़ रहते हैं, लेकिन उसके काटने की परमिशन रायलगंज सिटी में उस किसान को नहीं है। जिसके खेती में पेड़ है लेकिन उसको काटने के लिए परमिशन नहीं है, क्यों नहीं है, तो पहले पंचायत से पूछना पड़ता है एक पेड़ काटने के लिए, भैया मुझे एक पेड़ काटना है, तभी पंचायत उसको बोलती है पहले पांच पेड़ लगाओ और एक साल के जिंदा रहे या नहीं रहे उसको देखने के लिए हमारा पंचायत का कोई भी आदमी जाएगा, उसको देख लेगा, तभी एक पेड़ तोड़ने के लिए परमिशन मिल जाएगी। नहीं तो ये सब कुछ नहीं किया, किसान बोलेगा मेरा है
मैं खुद का मालिक हूं, मुझे कौन क्या कर सकता है, मैं कटवा लूंगा, कटवा ले भैया। तो आपने हिसाब से कटवा ले, लेकिन गांव क्या करेगा? उसके लिए जो राशन आता है, जो थोड़ा बहुत भी चावल गेहूं जो आता है, पूरी तरह से बंद किया जाता है उसकी तरफ से। जो पानी भी उसकी तरफ जो पाइपलाइन से जाता है नीचे से, वो भी उसका बंद किया जाता है। और जो रॉकेल आता है वही भी बंद किया जाता है, गांव का लोकल नियम है। इसी वजह से गांव के पेड़ जो बचे है, तो इसी वजह से बचे है, नहीं तो कोई नहीं बचा देता भाई। मैं खुद का मालिक हूं ना, इसी वजह से गांव की सुननी पड़ती है, तो गांव का सुनना ही पड़ता है। गांव में रहना है तो थोड़ा बहुत गांव का सुनना पड़ता है, गांव के लोगों के हिसाब में थोड़ा बहुत देखना ही पड़ता है, इसलिए ग्राम सभा में ये सब कुछ माना जाता है। ये देखो, ये श्रमदान है, श्रमदान या फिर श्रमदान का ऐसा एग्जाम्पल दिया है। ये देख, छोटी छोटी चिंटियां दिखाई दे रही है, चिंटियां ने क्या कर दिया, अपना मकान बनवा लिया है। लेकिन एक चिंटी बनवा सकती थी कि इतना बड़ा? नहीं बनवा सकती। हमको हमारा गांव भी बनाना है, तो एक आदमी क्या कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा। वाटर शेड भी बनाना होगा, तो आप लोग जब इकट्ठा हो जाएंगे, जब उसकी तरफ ध्यान देंगे, उसको अच्छी तरह से टिकाएंगे, तभी वाटर शेड सक्सेसफुल रहेगा। नहीं तो क्या करेंगे, हो गया ठीक है चलो हम ध्यान नहीं देंगे, खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, सरकार आपकी तरफ फिरने आएंगी, वाटर शेड का कोई फायदा नहीं होगा, पैसे बर्बाद, कार्यक्रम बर्बाद, सब कुछ बर्बाद। इसीलिए आप अच्छी तरह से उसकी तरफ ध्यान दो तो ये टिक पाएगा। यही बताया है इसमें से, चिंटिया अपना मकान बना सकती है, तो रालीगंज सिद्धि जैसे लोग जब सब इकट्ठा आ जाते हैं तो पूरे इंडिया बना सकते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकते। सारा मिट्टी का एक कण भी यहाँ से लेकर यही तक नहीं लेकर जा सकते।